हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सामने आ रही है पोकेमोन मास्टर जर्नीज के तरफ से। सो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पोकेमोन मास्टर जर्नीज के अंदर हमने देखा कि वॉकनर की रिटर्निंग हुई, जहाँ पर ऐश वॉकनर से बैटल करता है और ऐश को ये पता चल जाता है कि वो अपने जी रिंग को यूज़ कर सकता है। और उसके बाद तो आप देख ही सकते हो कि ऐश कितना पावरफुल हो जाता है जी रिंग को यूज़ करने के बाद। फिर आगे आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने वाले हैं कि सिंथिया की रिटर्निंग कैसे हो सकती है, और हो सकता है कि ऐश भी सिंथिया से बैटल करे, जो कि सिनो रीजन की चैम्पियन है। और आप सबको पता है सिंथिया कितनी पावरफुल है, और ऐश की इस बैटल को, जो कि वॉकनर के साथ हुई, इस बैटल को लियोन भी देखता है टीवी पर। तो आप सोच सकते हो ऐश कितना फेमस हो गया है। और हम सब ये भी जानते हैं कि वॉकनर कितना पावरफुल जिम लीडर है। और उसके अलावा अभी इतना ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हो सकता है कि हमें ग्रीन निंजा की रिटर्निंग भी देखने को मिले, क्योंकि अभी पोकेमोन मास्टर जर्नीज के तरफ से जो मर्चेंडाइज सामने आए हैं उसमें हम ग्रीन निंजा को भी देख सकते हैं, जिससे हमें कुछ आइडिया हो सकता है कि ग्रीन निंजा भी वापस आएगा इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन ये बात अभी फुल्ली कन्फर्म नहीं है, इसीलिए हमें आगे देखना होगा कि आगे हमें क्या दिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि हमें एक नया पॉडीगोन देखने को मिले, जिसे हमने इससे पहले सीजन 1 में देखा था, लेकिन वो एपिसोड कुछ वजह से बैन हो गया। और मैंने पॉडीगोन के बारे में पूरी डिटेल बताई है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसका कनेक्शन हो सकता है पॉडीगोन से हो, क्योंकि इसकी प्रिडिक्शन भी हो रही है। तो अगर आपको इन सब बातों को जानना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो को चेकआउट कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें ये पता चलेगा कि क्या सिंथिया अभी ऐश से बैटल करेगी या नहीं, या फिर ग्रीन निंजा की रिटर्निंग होगी आगे आने वाले एपिसोड्स में या नहीं। तो इन सब बातों का पता चलेगा हमें आगे, और जैसे ही मुझे यहाँ से कुछ न्यूज़ मिलती है मैं आप सबको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पोकेमोन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं।